क्या, एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब औसत। सर ये तो इसका हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है सर, आगे मतलब क्या सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारा, मान के चलो तुम्हारे पास पांच सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है तुम्हारे पास, साइंस है तुम्हारे पास जिसको तुम विज्ञान कहते हो, हिंदी है तुम्हारे पास, इंग्लिश है तुम्हारे पास, और तुम्हारा जीरो सॉरी जीके है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। ये सारे आपके जो है क्या है, क्या है भाई, ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट। जैसे मान के चलो तुम्हारा मैथ्स में आया 90 नंबर, साइंस में हो गए तुम 33, हिंदी में आया तुम्हारा 84 मार्क्स, इंग्लिश में आया तुम्हारा 80 मार्क्स, और जीके में आया तुम्हारा 99। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर तुमसे मैं पूछूं यहाँ पे कि तुम्हारी यहाँ पे परसेंटेज कितनी बनेगी, तो आप हाल निकाल दोगे, सारे नंबर्स को जोड़ेगे, ठीक है, और जितने तुम्हारे सब्जेक्ट हैं तुम उसका डिवाइड दे दोगे और तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी। 100 का तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा जो है तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है जी? एप्लीकेशन में ऑल ओके है यार, कोई बड़ी बात। हाँ मुस्कान और आनंद दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर भाई तुमसे कोई परसेंटेज पूछता है यहाँ पे, परसेंटेज बोले तो प्रतिशत, कोई तुमसे यहाँ पे परसेंटेज पूछता है यानी कि प्रतिशत, अगर कोई तुमसे पूछता है तुम क्या बताते हो? सारे नंबर्स को सम करोगे, जितने तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उसका तुम्हारा डिवाइड करोगे, पांच पांच सब्जेक्ट तुम्हारे पांच से डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। 100 क्यों सर? परसेंटेज निकालनी है ना, तो इसीलिए 100 करते हैं। यहाँ पे जो मेरा समझ आ जाएगा, एवरेज मतलब यहाँ पे तुम जो परसेंटेज निकालते हो वो तुम्हारी एक एवरेज परसेंटेज होती है। क्लियर है भाई? 2 मिनट रुकिएगा जरा जी। परसेंटेज होती है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये परसेंटेज होती है तो एवरेज परसेंटेज होती है, सॉरी भाई एवरेज परसेंटेज होती है। वैसे ही अगर मैं मान के चलो मैं आ रहा हूँ 200 किलोमीटर के रास्ते पे, और मैं निकल रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ, मतलब मैं ही आ रहा हूँ दिल्ली से तुम लोगों के यहाँ मिलने, तो भाई मैं तुमसे ये कहूँगा क्या, अगर मेरे को बतानी होगी कि मैं अपनी गाड़ी को जो है इतनी स्पीड में चला के लेके आया, तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि मैं 200 किलोमीटर का रास्ता है, ये मान के चलो 200 किलोमीटर का रास्ता है, सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग से सुन लेना इस चीज़ को। जैसे मान के चलो 200 किलोमीटर का रास्ता है तुम्हारा, ये मेरे को आना है तुम्हारे यहाँ भाई, क्योंकि तुम सिलेक्टेड हुए हो, मेरे को आना है तुम्हारे यहाँ मिलने, ठीक है। तो भाई 200 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, मान के चलो मैं अगले 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, अगले 50 किलोमीटर तक जो है मैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ। गाड़ी थोड़ी है, स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। और अगले जो 150 किलोमीटर तक, यानी कि 100 से 50 किलोमीटर तक के बीच में, यानी कि 100 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में जो है मैं 50 की स्पीड, 50 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पहुंच गया मैं तुम्हारे यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर है? ये पहुंच गया तुम्हारे यहाँ, यानी कि 200 किलोमीटर का रास्ता मैंने पूरा कवर कर लिया। अब भाई मैं तुमसे पूछूं, मतलब तुम पूछोगे कि सर कितने की स्पीड में आए, तो सुनो मैं बोलूंगा तुमसे 100 किलोमीटर में 50, पहले 50 किलोमीटर जो है मैं 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आया। तुम कहोगे सर ऐसे मत बताओ, ऐसे पागल मत बताओ सर, एक स्पीड बता दो तुम कितने की से आए हो। तो मैं देखो क्या करूंगा, 100 किलोमीटर पर आवर प्लस 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर प्लस 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड है हर एक 50 किलोमीटर के बीच, ठीक है भाई। मैंने कितनी बार स्पीड को चेंज किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि अपॉन में 4 कर, यानी कि 100 और 200, 300, 360, यानी कि 360/4, यानी कि मैं तुमसे कहूंगा भाई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया हूँ, एवरेज स्पीड। कितनी बार समझ में आई? एवरेज स्पीड जो है मेरी 90 किलोमीटर पर घंटा की, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब भी भाई अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम कहोगे सर सीधा सीधा फॉर्मूला बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ सुनो, एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स और थिंग्स,
यानी कि नंबर हो, थिंग्स हो, जो भी तुम्हारी हो उनका सबका सम करो, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि कितनी थिंग्स, यानी कि कितने नंबर हैं, कितना क्या है, जो भी है, वॉट एवर तुम जो भी कहना चाहो। अगर भाई हिंदी की बात करें तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, सभी सभी विषयों का, सभी संख्याओं का, सभी चीज़ों का या सभी संख्याओं का, सभी चीज़ों कॉमा संख्याओं का, संख्याओं का सम, संख्याओं का सम, ठीक है, अपॉन अपॉन में तुम्हारी कुल कुल संख्याएं, क्लियर है, ये होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एक बात और बताना चाहता हूं कि 2022 में इससे तीन क्वेश्चन आए हैं, तीन क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है भाई, ठीक है, 2023 में कुछ नहीं आया है, तो 2024 में तुम मान के चलना दो से तीन क्वेश्चंस आपके परफेक्टली आने वाले इस चैप्टर से। मॉडल टेस्ट पेपर दिए होंगे उससे आपको पता लग गया होगा इस एवरेज वाले क्वेश्चन, एवरेज वाले चैप्टर से जो तुम्हारे कितने नंबर आने। अब काफी लोगों ने कह दिया है कि ये चैप्टर जो है डिलीटेड हो चुका है, अरे कचरा लोग, डिलीटेड नहीं हुआ है, अगर कोई साल नहीं आया है, 17 तुम्हारे चैप्टर हैं, 19 तुम्हारे चैप्टर हैं, अगर वो एक चैप्टर से अगर दो क्वेश्चन पूछ लेता है तो तुम्हारा एक चैप्टर मिस कर दिया उसने, तो अगले साल दे देता है उसने, तो चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ, समझ आया, हर कोई चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई भाई। चलिए, अगर तुमको इतनी बात समझ में आई तो चलते हैं अब सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे, दिल थाम के बैठिएगा भाई जी। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में चार विषयों में, देखो वही आ गया क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में, परीक्षार्थी मतलब जो परीक्षा दे रहा है, परीक्षार्थी मतलब जो परीक्षा दे रहा है, ठीक है भाई, चार विषयों में, यानी कि चार विषय हैं उसके, उसमें उसको जो है 48, 44, 56 और 52 अंक प्राप्त हुए, तो उसका औसत प्राप्त अंक कितना है, एक बात बताओ, 48 प्राप्त हुए एक में 44 प्राप्त हुए, एक में तुम्हारे 56 प्राप्त हुए, एक में तुम्हारे 52 प्राप्त हुए, भाई कितने सब्जेक्ट हुए तुम्हारे, 1, 2, 3, 4, यानी कि चार सब्जेक्ट हुए तुम्हारे पूरे टोटल, समझ आया। चलिए, 8 और 4, 12, 12, 6, 18, 18 और 2, 20 की 0 हासिल 2, ठीक है जी, 4 और 2, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि 200/4, 4 से तुम्हारा ये कट जाएगा तो तुम्हारा ये 50, यानी कि 50 जो है उसका औसत आंसर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, मिटा दूं, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10 से नीचे की, यानी कि 10 से नीचे की, यानी कि 10 से नीचे की संख्या मतलब, 10 से नीचे की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 10 से नीचे, यानी कि 10 नहीं लेनी है, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत, यानी कि सम संख्या यहाँ पे कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लेनी है, 10 से नीचे, 10 तक होता, 10 तक सम संख्याओं का मतलब 10 भी लेना होता, 10 से नीचे लेनी है, यानी कि 2+4+6+8 नंबर हो गए तुम्हारे, इनका सम अपॉन में तुम करोगे तुम्हारा क्या आएगा, 2, 1, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि 4 हो गए,
यानी कि तुम्हारा हो गया 20/4, 4 से तुम्हारा ये हो गया 5, यानी कि 5 आंसर। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? अरे नो नेटवर्क, तुम्हारा नेटवर्क खत्म होगा भाई, यहाँ तो सही है सब कुछ। ये क्या नाम है, मुस्कान बेटा तुम नेटवर्क दिख लो थोड़ा सा अपना। गुड इवनिंग प्रहलाद जी भाई, क्लियर? हाँ जी भाई क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग ऐप ओपन हो तो गया तुम्हारा? ऐप ओपन, आप ऐप में ही तो मेरे साथ अभी। चलिए चलिए, छह संख्याओं का, अब ये ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा महंगा पड़ेगा तुम लोगों के लिए जी। क्वेश्चन क्या है सुनिए, छह संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि औसत कितना है भाई 30, औसत बराबर कितनी संख्या है भाई, छह संख्या है। अब सम नहीं दिया है, यानी कि सम नहीं दिया है छह संख्याओं का, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे सम नहीं दिया है। यानी कि छह संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो छह संख्याओं का सम कितना आएगा, यानी कि कुल संख्याओं का, संख्याओं का सम, यानी कि सम मतलब प्लस, यानी कि कुल संख्याओं का प्लस क्या होगा भाई, 180 जो है तुम्हारा। अरे भाई 30 से तुम्हारा जो है 6 का गुणा हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का सम, कुल संख्याओं का सम, ये आ गया ठीक है। क्या हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा, एक मिनट। अरे उस पे मत लगाओ यार, क्यों लगा रहे हो उस पे? ये थंबनेल जो लगा है उस पर लगाओ। देखो उसमें सबसे पहले प्लस 91 लगा लेना तुम अपना, फिर उसके बाद लगाना 1161, फिर क्या था 8987, एक मिनट मिनट सेवन, एक मिनट क्या है जी जी 79, रुको दो मिनट दो मिनट दो मिनट 7961 8987, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना, प्लस लगा लेना पहले कचरा लोग, और अभी फोन मत करना वरना टेलीफोन उठा के अभी तुम्हारे सर पे मारूंगा, ठीक है भाई? बाद में करना, क्लास खत्म हो जाए तब, क्लास खत्म होते ही हाल ही लगा देना फोन। अब सुनो, कुल संख्याओं का जो सम आ गया ना, वो आ गया तुम्हारा 180, ठीक है? ये पहली लाइन हो गई, पहली लाइन, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि पहले की चार संख्या है, यानी कि पहले की चार संख्या है, उनका औसत कितना है, कितने का, पहली चार संख्या, यानी कि चार संख्या है, पहली चार संख्या, पहली चार संख्या, संख्याओं का औसत जो है तुम्हारा कितना है 25, यानी कि पहली चार संख्याओं का, पहली चार संख्याओं का, और पहली चार संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, पहली चार संख्याओं का सम, का सम, ये सब तुम लिख लेना यार, ये सब क्यों लिखूंगा मैं इतना सारा कुछ, का सम मैंने कर दिया, यानी कि तुम्हारा हो गया ये 100, क्लियर है? तथा अंतिम तीन संख्याओं का, यानी कि अब लेते हैं भाई अंतिम तीन संख्या, यानी कि अंतिम तीन संख्याओं का, अंतिम तीन संख्याओं का सम बटे अंतिम तीन संख्या बोले तो तीन, ठीक है? और ये हो गया तुम्हारा 35, औसत जो है तुम्हारा 35, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया भाई 35 पंजे 105, यानी कि 105 जो है तुम्हारा क्या हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारा अगली, सॉरी अंतिम तीन संख्या। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तीन का सम यानी कि अंतिम तीन संख्या होगा। अब भाई एक बात बताओ, ये पहली तीन संख्या का सम आ गया, ये अंतिम तीन संख्या का सम आ गया, ठीक है? तो एक बात बताओ, पहली जो सारा जो सम दिया है तुम्हारे पास 180 दिया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सात, अगर मेरे पास छह नंबर दिए हैं, अगर मैं पहली तीन संख्याओं, पहली चार संख्याओं में, यानी कि 1 2 3 4, अगर मैं पहली चार संख्याओं में से अंतिम तीन संख्याएं घटा दूंगा, यानी कि पहली चार संख्याओं में से मैं अंतिम
तीन संख्या घटा दूंगा तो मेरा ये बचेगा ना, ये बचेगा ना जी, यानी कि 100 प्लस 105 प्लस हो जाएगा तुम्हारा ये, यानी कि मेरी तीसरी संख्या ये हो जाएगी, यानी कि ओहो जोड़ दूंगा, ठीक है भाई जोड़ दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, देखिए 180 ये हो गया तुम्हारा 205 प्लस, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ से वो 25 आ जाएगी। क्लियर है, ये हो गई बड़ी फॉर्म, ये हो गई इसकी बड़ी फॉर्म, समझ आ गया। अगर हम इसकी क्या होगा, आनंद बेटा चालू तो है यार सब कुछ, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों परेशान कर रहे हो यार, पढ़ा लेने दो, नेटवर्क प्रॉब्लम तुम अपने यहाँ से चेक कर लो मेरे भाई, यहाँ से एकदम परफेक्ट है सब कुछ, बार बार लॉगिन मत करो किसी एक जगह पे। सुनो ये हो गई इसकी लॉन्ग फॉर्म, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो तीसरी संख्या बोले तो क्या, पहली चार संख्या ये है यानी कि सबका एवरेज 25 है, यानी कि सारी नंबर तुम्हारी 25 25 25 और प्लस 25 होंगी सारी नंबर, यानी कि चार नंबर तुम्हारे, भाई तीसरी संख्या की चौथी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या तुम्हारी कितनी है, 25 है ना, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाता, क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी नहीं, चलिए आगे बढ़ते, देख लो यार थोड़ा नेटवर्क चेक कर लो, नहीं हो तो नेटवर्क एरिया में। The average of all natural numbers from 1 to 5 and 5 to 5 to 5 to 1 to 1 to 5 to 1 and 5 to 5 जी भाई, average of all natural numbers यानी कि from यानी कि से मतलब 521 से, यानी कि 521 भी include होगा, 521 plus 522 plus 530 530 रुको, जब चम्मच जब टेढ़ी उंगली से घी ना निकले ना तो उसमें चम्मच डाल लेना, ये वाला सीन कर रहा है, 521 प्लस 522 प्लस 523 524 प्लस 523 अपॉन में तुम्हारा ये कितने नंबर होगा भाई, 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर, यानी 5 होगा, ठीक है भाई, एक बात बताओ लास्ट डेट देखना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 ठीक है, हासिल एक, दो और तीन पांच, पांच और पांच, पांच और दो सात, सात और दो नौ, दो ग्यारह की एक, हासिल एक, पांच और एक तुम्हारा छह हो जाएगा, छह और पांच तुम्हारा 11 हो जाएगा, 11 5 तुम्हारा 16 हो जाएगा, 16 और 7 तुम्हारा हो जाएगा, 16 7 तुम्हारा 42 हो जाएगा, 42 5 47 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा, 47 नहीं होगा यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 26 होगा तुम्हारा ये, 26 यानी कि अगर तुम इसको काटोगे तो तुम्हारा लास्ट का डिजिट जो है तुम्हारा ये 5 आ रहा है, यानी कि एक आएगा लास्ट का डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट से कर लो इसको, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, यानी कि पहले 9 प्राइमर, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, पहले 9 प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5 7 9 11 और तुम्हारा क्या है 13, कितने हो गए तुम्हारे 3 6 1 7 13 के बाद तुम्हारा हो जाएगा 1 17 1, यानी कि एवरेज निकालेंगे तो भाई सबका सम करो, सबसे पहले सम करो सबका, सम किया जी भाई, सम किया कितने नंबर है तुम्हारे पूरे 9 जी भाई, कर लोगे इसको खुद से कर लोगे, कर लेना ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, यानी कि पहले 6 इवन नंबर्स, यानी कि 2 4 6 8 10 12, यानी कि कितने नंबर हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, यानी कि 6 नंबर्स का देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसका कर लोगे ना, करो चलो आगे बढ़ते, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। फाइव ट्वेंटी थ्री आएगा
कर लेते हैं सुनो, कितना आ रहा था इसका मेरा पूरा टोटल, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा 21, 22, 23, हमारा ये हो रहा था 5, 6, 10, 5, 5, 5, 1, 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा ये 26, यानी कि 26, 105/5, यानी कि 5 से तुम इसको काटोगे 55, 25, 5 × 10, 5 × 15। हाँ जी हाँ जी, सॉरी भाई सॉरी, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन जो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, बी नहीं है डी है। चलिए आगे बढ़ते, हिंदी माध्यम थोड़ा देख के चलिएगा भाई, देख के थोड़ा सा देख के, होले होले पैर रखना वरना फिसल जाओगे। प्रथम पांच संख्याओं का औसत, प्रथम पांच कम संख्याओं का औसत, थोड़ा पढ़ लेना ढंग से, कम संख्याओं का औसत, कम संख्या बोले तो तुम्हारी दो, कम संख्या बोले तो तुम्हारी दो, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी कि ये पांच तुम्हारी संख्या होगी, पांच कितने नंबर को, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, यानी कि 5 हो गया ये भाई। एवरेज निकालेंगे तो 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 10 = 30, यानी कि 30/5 बोले तो तुम्हारा आ जाएगा ये। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगर तुमको इतनी बात समझ आई तो आगे बढ़ते, आज के आज इस चैप्टर को जो खत्म कर देंगे, तुम्हारी टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, फिर ये मत कहना कि भाई ये नहीं कराया वो नहीं कराया, समझ आया, सब कुछ करा दिया, ठीक है ये हो गया। चलिए 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा। ओहो देखो क्या मस्त क्वेश्चन है, 2, 3, 6 यानी कि 2, 3, 6 अगर इनका का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में, यानी कि इनके योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा। तीन नंबर हैं तो तीन से ही तो भाग दोगे, तभी तो तुम्हारा यहाँ औसत आएगा, औसत आएगा यानी कि तीन से भाग देना पड़ेगा, तीन से, यानी कि बी वाला ऑप्शन। देख रहे हो बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए काम कर रहा है नवोदय विद्यालय ये सब, नवोदय संस्था, ठीक है। अब एक बात बताओ, 12.5 ये तुम्हारा है, 12.5 सुनो मेरी बात, 12.5, 11.7, 11.75 ठीक है, 9.5, 8.5 तथा 7 का औसत, यानी कि तथा 7 का औसत, यानी कि ये सबके बीच में प्लस लगा ले, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब भाई नंबर कितने हैं देखना जरा, 12.5 सबको जोड़ लेते हैं, 11.75 ठीक है भाई, 9.5 ठीक है, 8.5 और ये 7 करते हैं, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5, 15, 15 × 7, 22 = 2 हासिल, 2 ये पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट लगा दिया, 8 × 2 = 17, 17 × 9 = 26, 26 × 1 = 27, 27 × 2 = 29 हासिल, 2 यानी कि 2, 2 तुम्हारा हो जाएगा 4। अब भाई ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 नंबर है, तो अपने में 5 रख देंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 9 = 45 ठीक है, 45 और बचा तुम्हारा 4, 2 यानी कि 8, 5 = 40 और ये तुम्हारा हो जाएगा 9.85 जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगर तुमको इतनी बात समझ में आती है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। सुनो एक चीज तुमको बताना चाहूंगा, एक चीज अगर तुम याद रख लोगे ना तो तुम्हारे लिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक से लेके यानी कि 1, 2 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सुन लो, 6, 7, 8 यानी कि 10 तक जो तुम्हारे नंबर होंगे ना सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक तुम्हारे नंबर होंगे। अगर कोई तुमसे पूछे, 10 तक जो तुम्हारे नंबर हैं, अगर कोई तुमसे पूछे कि इनका सम कितना है, तो सीधा सीधा बोल देना 55। इनका सम जो है तुम्हारा 55 आता है। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब चलते क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या है, याद यार ये सारी चीज़ें तुमको थोड़ा थोड़ा याद रखनी पड़ेगी ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहली 10 नेचुरल नंबर, यानी कि पहली 10 नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, यानी कि कितने नंबर हो गए तुम्हारे, 10 नंबर हो गए, 10 हो गए तुम्हारे नंबर ये। हाँ जी, अगर ये नंबर तुम्हारे 10 हो गए, मैंने आपको क्या बताया अभी, ये अपॉन में इसमें 10 लगा, ठीक है, तो तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर का तुम्हारा सम कितना होता है, 55। 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। क्लियर है? लो भाई, कुछ करने की ज़रूरत, थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक कोई सम अगर तुमसे पूछे तो 55 आ जाएगा, सीधा सीधा बोल देना भाई 55। तो बोले ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहली 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो 3 खुद का मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि 6 भी तुम्हारा 3 का मल्टीपल है, 9 भी तुम्हारा 3 का मल्टीपल है, 12 तुम्हारा 3 का मल्टीपल है, 15 तुम्हारा 3 का मल्टीपल है, यानी कितने नंबर हो गए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पहले 5 3 के मल्टीपल तो तुम्हारे ये हो गए। इनका एवरेज की बात करो भाई, पहले 5 नंबर ये 5 ही हो रहे हैं, ठीक है भाई, 6, 3, 9, 18, 18, 12 तुम्हारा हो जाएगा 30 और 15 तुम्हारा हो जाएगा 45, यानी कि 45 / 9 ये हो गया तुम्हारा 5 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से कट जाएगा 9 बार, यानी कि बी वाला। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ भाई, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा, बेझिझक, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछना भाई। दिक्कत है क्या, समझ आया? चलिए, फिफ्थ का बी बता रहे हो तुम, मेरे वाला ऑप्शन बता रहे हो, गलत बात है यार ये है। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास डिक्रीजेस बाय 6 मंथ व्हेन अ न्यू बॉय टेक्स द प्लेस ऑफ अ 20 ईयर ओल्ड बॉय एंड द एज ऑफ न्यू बॉय। क्या बात है, क्या क्वेश्चन? अब एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे की, मतलब अगर पूरे एवरेज एज जो है, यानी कि एवरेज एज जो है वो डिक्रीज हो जाती है 6 मंथ, पहली बात तो मुझे 6 मंथ को बताओ, 6 मंथ को अगर मुझे ईयर में लिखना हो तो मैं 1/2 ईयर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? 6 × मंथ की जगह मैं 1/12 ईयर्स लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे को एक बात बताओ, 1 ईयर में तुम्हारे 12 मंथ होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में जो है मेरे 1/12 ईयर्स नहीं होंगे, यानी कि मैंने मंथ की जगह जो है 1/12 ईयर्स लिख दिए, मैंने क्या गुणा किया भाई यहाँ पे, इससे ये कट गया तो तुम्हारा 2 बार कट जाएगा, तो भाई 1/2 ईयर्स। मान के चलता हूँ कि जो है, मान के चलता हूँ कि जो नए लड़के की एज है वो एक्स मान लूँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं नए बच्चे की एज जो है अगर मैं एक्स मान लूँगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सुनो, व्हेन अ न्यू बॉय टेक्स द प्लेस ऑफ 20 ईयर ओल्ड बॉय। अब सुनो, थोड़ा सा टफ जा सकता है, और सिंपल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, और सिंपल कैसे बनाओ इसको, सुनो मेरी बात, होगी सो देखी जाएगी, जितना टफ जाएगा उतना ठीक है, तुमको समझ आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि लड़का जो है, कैसे लिखूं, एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास डिक्रीजेस बाय 6। सुनो मेरी बात, मैं एक काम करता हूँ, मैं एवरेज एज मान लेता हूँ x, ठीक है, मैं एवरेज एज x मान लेता हूँ। अब वो भाई क्या होता है, 1/2 से घट जाती है, 1/2 ईयर से घट जाती है, ईयर से घट जाती है, कब घट जाती है भाई, सुनो, अरे भाई घट जाती है, कब घट जाती है, जब एक
नया बच्चा यानी कि 25 बॉयज के बीच में एक नया बच्चा आ जाता है, टेक्स प्लेस यानी कि टेक्स प्लेस यानी कि उसी की जगह पे आ जाता है, उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देता है, तो ये हो जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? अब बताओ कैसे करो। सुनो, नहीं हो तो मैं इसको ऐसे कर सकता, एक बात बताऊं। सुनो, अब यहां पे अगर हम बात करें टोटल एज डिक्रीज कब होगी, टोटल एज डिक्रीज किसकी डिक्रीज हुई, 25 लड़कों की मतलब गुणा कितने से डिक्रीज हुई है भाई, 1/2 से, 1/2 से डिक्रीज हुई है। मतलब ये तुम्हारा आ गया -12.5, यानी कि -12.5 से डिक्रीज हुई है। टोटल एज डिक्रीज कितनी हुई है, 25 बच्चों की एज जो एवरेज है वो डिक्रीज हुआ है 1/2, यानी कि डिक्रीज मान के चलता हूं मैं, ये लिख लेता हूं मैं ऐसे माइनस, यानी कि इस माइनस से मुझे पता लग जाएगा -12.5। ठीक, अगर वहीं अगर हम बात करें तुमसे, अगर नए बच्चे की एज जो है वो 20 है, यानी कि न्यू बच्चा है उसकी एज जो है 20 है, यानी कि 20 साल के बच्चे से जो है रिप्लेस कर दी गई है भाई, 20 साल के बच्चे से रिप्लेस कर दी गई है, 12 कम हो गई। ठीक है भाई, एज तुम्हारी कितनी आ गई, 7.5 ईयर्स आ गई। क्लियर है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, समझ आया, ये इसकी तुम्हारे की जो है शॉर्ट ट्रिक है। बताइए भाई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? अरे समझे क्या, बच्चे कम क्यों बैठे, मेरी समझ ये नहीं आ रहा। जी चलिए, यानी कि 7.5 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय की एज आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी बात हुई थी मेरे उससे, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ क्या कर रहे है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं, यानी कि चार संख्या है मान के चलता हूं, उसमें जो है प्रथम तीन संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत जो है 15 है, यानी कि प्रथम तीन संख्या हमको नहीं पता है, यानी कि सम ऑफ, यानी कि प्रथम तीन संख्याओं का, प्रथम तीन संख्याओं का सम, यानी कि प्रथम तीन संख्याओं का सम कितना आएगा, प्रथम तीन संख्याओं का सम कितना आएगा यहाँ पे, सर प्रथम तीन संख्याओं का सम आएगा यहाँ पे 45। ओके, तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत, यानी कि अंतिम तीन संख्याओं का सम अंतिम तीन संख्याओं का सम कितना है भाई, 16, यानी कि अंतिम तीन संख्याओं का सम 16 है, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 40। जी यदि अंतिम संख्या, ओहो क्या बात है, यानी कि मान के चलो यहाँ नंबर कितनी है भाई, चार संख्याओं का सम, यानी कि पहली संख्या यानी कि x1, ये x2, ये x3 प्लस x4, ये मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरी x4 वाली संख्या जो है वो मेरी 19 है, यानी कि संख्या जो है मेरी 19 है, सुनिए भाई ये अपॉन 4 लिख देता हूँ, या अंतिम अगर तीन संख्या मेरी 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी, बताइए भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रथम तीन संख्या यानी कि प्रथम तीन संख्याओं का सम जो है वो अपने निकाला 45 आ गया, ओके
अंतिम तीन संख्याओं का जो सम आ गया तुम्हारा, अंतिम तीन संख्याओं का सम जो आ गया तुम्हारा वो 48 आ गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 48 में से यानी कि अंतिम तीन संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याएं घटा दूंगा तो मेरा एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन आ जाएगा, मेरा एक्स वन आ जाएगा क्या, मेरा एक्स वन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 48 में से 45 घटा देता हूँ तो मेरा ये थ्री आ जाएगा इधर, थ्री आ जाएगा इधर, थ्री आ जाएगा इधर, अरे कचरा लोग, थ्री आ जाएगा क्या, थ्री आ जाएगा। और मेरा एवरेज जो है वो 45 दिया ही हुआ है, सॉरी 45 तो दिया ही है, 45 दिया है ना, नहीं, पहली संख्या तो दी नहीं है, हाँ ठीक है, ये मेरा थ्री हो जाएगा इधर, थ्री हो जाएगा ना इधर, ओके। अब एक बात बताओ, पहली संख्या अगर मेरी यहाँ पे थ्री आ जाएगी और लास्ट वाला जो सम दिया है मेरे पास वो दिया हुआ है 19, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, लास्ट वाला 19 दिया हुआ है, तो सुनो मेरी बात, यानी कि इसमें अगर मैं 19, ओहो, क्या दिक्कत है इस सवाल में, क्या दिक्कत है, सुनो, एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन थ्री, इसका जो अपना आ गया वो कितना आया भाई, इसका औसत कितना दिया भाई, इसका औसत 16 दिया है, तो यानी कि मैंने ये वाली जो नंबर थी वाली नंबर मैंने ये निकाल दी, ये तो निकाली, तो ये आ गया। तो एक बात बताओ, ये वाला नंबर अगर मेरा 19 है, मेरे पास ऑलरेडी ये नंबर 19 दिया हुआ है, भाई एक बात बताओ, एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू 16, बताओ। अब अगर हमें यहाँ पे एक्स टू और एक्स थ्री देखूँ तो एक्स टू और एक्स थ्री का मेरा सम कितना आएगा, सुनो, अगर यहाँ पे मेरा यहाँ पे 48 आ जाएगा पूरा तो मेरा ये एक्स टू और एक्स थ्री का सम मेरा 39 नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, 29, यानी कि एक्स टू प्लस एक्स थ्री जो है मेरा नंबर कितना आ गया भाई 29। अब भाई एक्स थ्री जो है, एक्स थ्री जो है मेरा कितना है, एक्स थ्री जो एक्स फोर सॉरी एक्स फोर जो मेरा नंबर है निखिल क्या कर रहा है, एक्स टू जो नंबर है वो 19 आ गया। तो भाई एक्स वन नंबर क्या हो, यानी कि क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछा ना, एक्स वन नंबर जो है वो क्या होगा बताओ। अब यहां पे तुम एक्स वन जो है तुम कैसे निकालोगे बताओ भाई, मैंने तुमको इतनी सारी हिंट दे दी, अब सुनो मेरी बात, अब एक बात बताओ, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लिख लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो तुम मुझे एक बात बताओ, प्रथम तीन संख्याओं का सम 45 है, प्रथम तीन संख्याओं का सम 45, तो बताओ एक्स टू और एक्स थ्री मेरे पास 29 दिया हुआ है, तो अगर मेरे को अभी मेरे को 45 करना है पूरा, अभी मेरे को 45 करना है पूरा, तो मेरे को अगर यहाँ पे मैं 16 जोड़ दूंगा तो ये मेरा 45 नहीं हो जाएगा, यानी कि x1 अगर जो है मैं 16 कर दूंगा मेरा 45 नहीं हो जाएगा, यानी कि 2 का सी वो 7 का बी जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, नहीं, चलो नहीं होगी लेट क्लास, चलिए भाई क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, तीन चार तीन पाँच सात नौ का औसत, एक बात बताओ औसत बताना है, तीन का पाँच का सात का नौ का औसत बताना है, अभी नंबर कितने हैं तुम्हारे, चार, नौ सात सोलह, सोलह तीन उन्नीस, 1905 तुम्हारा 24, यानी कि 24/4 बोले तो तुम्हारा ये आ जाएगा 6, यानी कि 6, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत, ओहो 50 संख्याओं का औसत, यानी कि औसत जो है वो 38 है, कितने नंबर का भाई, कितना है भाई 50 संख्याओं का औसत जो है कितना है, अब भाई सम की बात करें तो सम मतलब कुल जो है इसका कितना आएगा भाई, सम सम जो है कितना आएगा भाई, 8 × 45 की 0 हासिल 4 5 यानी कि 19, यदि इनमें से दो संख्याएं, अब भाई एक बात बता, अगर इनमें से 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मेरी बात सुनो, अगर इसमें 45 को और 55 को छोड़ देंगे, यानी कि 45 55 तुम्हारे कितने होते हैं 100, यानी कि 100 अगर इसमें से छोड़ देंगे तो नंबर तुम्हारे कितने बचेंगे, यानी कि 45 और 55 जो है तुम्हारे दो नंबर हैं भाई, इनको छोड़ दिया तो नंबर तो तुम्हारा ये बचा 1800। अब ये सम जो है कितने नंबर का सम है भाई,
अब ये सम तुम्हारा जो है वो 48 नंबर का एवरेज है, सम है 48 नंबर का, सम है 48 नंबर का सम है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा एक बात बताओ। अब ये तो तुम्हारा आ गया सम, ये सम आ गया 1800, ठीक है, कितने नंबर्स का, 48 नंबर्स का, तो इनका एवरेज कितना आएगा, तो भाई 16 तिया 48 और 600 ये कट जाएगा तुम्हारा, एक एक 16 एकन 16 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48 अब बचा तुम्हारा 12, यानी कि 16 सत्ते 112, यानी कि सत्ते 112, अब बचा तुम्हारा 8 किलो 16 85, यानी कि 37.5, यानी कि 37.5 जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, आपस में बातें मत करो, ब्लॉक हो जाओगे बिल्कुल एकदम, ऐप से भी और यहां से भी, समझ आया, जो ऐप से आके यहां बात करने आ रहे हो जी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 6 का स्क्वायर बोले तो 36, 7 का स्क्वायर बोले तो 49, सबका प्लस करो तभी तो औसत निकालोगे जी भाई, सबका प्लस करते हैं। अब इनका औसत निकालेंगे तो तुम्हारी नंबर कितनी है, तुम्हारी 7 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर है, यानी कि 9 एक 10, 10 और 4 14, 14 6 16 30, 30 और 25 55, 55 55 हो गया। अब भाई इन दोनों का सम करेंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 75, 75 नहीं 85। अब भाई ये नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 140, यानी कि 140 बटे 7, यानी कि इसका तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 20। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 40। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ क्लास इज 14 ईयर, यानी कि 14 ईयर्स क्या है भाई, औसत एज क्या है भाई, औसत है किसका, किसका औसत है भाई, किसका औसत है भाई, 30 स्टूडेंट। तो अगर हम इनके सम की बात करें तो इनका सम कितना आएगा, सम ऑफ यानी कि सम किसका, जो 30 बॉयज हैं उनकी एज का सम कितना आएगा भाई, 420, इसका इससे गुणा कर देंगे तो तुम्हारा 420 आ जाएगा, सम आ जाएगा पूरा। When the age of the class teacher is included, अब भाई इसमें क्लास टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि मान लेता हूँ मैं क्लास टीचर की एज को इंक्लूड कर दिएगा, ये यहाँ पे ऐड कर देते क्लास टीचर की, क्लास टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया, मान लेता हूँ मैं टी, टी जो है क्लास टीचर है, अब 30 स्टूडेंट्स, टीचर भी ऐड हो गया तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा नीचे। तो भाई एक बात बता, एक बात बताना मुझे तुम, सम जो है तुम्हारा ये आ गया 31। द एज ऑफ द क्लास टीचर, अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, अब भाई यहाँ पे 14 थी, अब एज जो, अब टीचर को इंक्लूड कर लिया गया तो एज जो है एवरेज एज बिकम्स, तो है 15 बन गया, यानी कि एवरेज एज जो है अब 15 हो, ठीक, एवरेज एज जो है वो 15 हो। एक बात बताऊँ, सम ऑफ स्टूडेंट्स की तो निकाल ली भाई अपन ने, ये आ गया 42 प्लस टीचर अपॉन 31, ठीक है भाई, 15 × 15 की 5 हासिल, 1 × 15 = 45, यानी कि अब जो एज हो गई वो बन गई ये, क्लियर है, तो टी तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 45, यानी कि टीचर की जो एज मैंने बताई थी टी वो आ गई तुम्हारी 45, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो ब्लॉक हो गए सारे, चलो जाओ बातें कहीं और करना हो, हद होती है भाई तुम्हारे मारे कसम से यार। इंग्लिश मीडियम लेता तो हूँ, हैं इंग्लिश मीडियम नहीं ले रहा क्या, कचरा लोग, नहीं हो रहा है ऐप ओपन, नहीं होने दो अनुराग, नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं, बातें तुम यहाँ कर रहे हो भाई, हद होती है भाई तुम्हारे मारे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि एवरेज मार्क्स जो है वो, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को करूँगा, द एवरेज मार्क्स ऑफ द मैन of 4 men is increased by 3,
यानी कि पहले मान के चलो एक्स आ रहे थे एवरेज मार्क्स इनके चार आदमियों के, अब भाई कब इंक्रीज होगा भाई, थ्री इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज हुए चार लोगों के नंबर जो है कब इंक्रीज हुए तो सब निकाल लेंगे, ठीक है। व्हेन वन ऑफ देम हुज मार्क्स आर 120 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, यानी कि एक के जो है 120 आ रहे थे, यानी कि एक के जो 120 आ रहे थे वो फोर मैन है, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स, ठीक है। व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन, यानी कि अब यहाँ पे नए बच्चे का जो है मार्क्स निकालना, सुनिए भाई अब यहाँ पे जो है क्या करें, क्या किया जाए, तुम्हारी मेथड यूज की जाए, तुम्हारा ही जो शॉर्टकट मैंने तुमको बताया था वही यूज किया जाए क्या, सुनिए। हाँ जी कहिए, सुनो इसको जो है अपन कैसे निकालते हैं, whose marks are 120 is replaced by another, यानी कि 120 जो रिप्लेस किए गए उसको लिख देते हैं यहाँ 120, ठीक है 120 से रिप्लेस कर दिए, अब भाई प्लस करते हैं 3 इंटू 4, क्लियर है, यानी कि तुम्हारा 120 प्लस 12 बोले तो तुम्हारा हो जाएगा 130, ये हो गए व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन, यानी कि 132 जो है इसके न्यू मार्क्स, क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में, ये तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे न्यू वाला फॉर्म आएगा ना, न्यू वाले जहाँ न्यू कुछ लिखा है न्यू फॉर्म वाला, तो न्यू फॉर्म वाले में क्या करोगे, जो रिप्लेस कर रहा है उसको तो तुम वैसा ही लिख लोगे प्लस, अब जो रिप्लेस कर रहे हैं और टोटल नंबर कितने हैं भाई 4, ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है उसका इंटू करोगे, इंक्रीज का और टोटल नंबर जितने हैं उनका ऐड कर दोगे, ठीक है भाई, रिप्लेस कर रहे हैं उनको यहाँ लिखोगे फिर प्लस लगा के 4 × 3 लिखोगे, 4 कौन है 4 मैन है और जो इंक्रीज होंगे वो 3 लिख दोगे, ठीक है भाई क्लियर है जी, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तीन लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं भाई लोग कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे तुम लोगों को टफ लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या, थोड़ा सा बिना टफ के काम नहीं होने वाला, बात याद रखना इस चीज को, मेजरमेंट में भी मैंने तुमको क्वेश्चंस कराए थे, मेजरमेंट में भी मैंने तुमको हार्ड क्वेश्चन कराए थे यार, ऐसा तो नहीं था कि मैंने तुमको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन करा के छोड़ दिए थे, अरे ये 9 वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये 9 वाला रह गया, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 30, यानी कि एवरेज रिजल्ट जो है कितना है भाई, एवरेज जो है वो 30 है, किनका 11 रिजल्ट्स का, यानी कि 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 30 है भाई, तो सम कितना होगा भाई 330 जो होगा क्या होगा, सम ऑफ रिजल्ट्स, सम ऑफ रिजल्ट्स, फर्स्ट 5 इज 20 That of first 5 is 25, यानी कि पहले के जो 5 उनका एवरेज तो जो है वो 25 आ रहा है, यानी कि पहले के लोग हैं उनका एवरेज आ रहा है 25, यानी कि 25 एवरेज आ रहा है, तो पहले को मैं मान लेता हूँ पहले 5 का जो सम आ रहा है 125 आ रहा है, ठीक है, अब भाई बचे 6, अब लास्ट के 5 का जो एवरेज आ रहा है वो 28 आ रहा है, यानी कि भाई लास्ट के जो लोगों का एज एवरेज आ रहा है वो 28 आ रहा है, कितने लोगों का भाई 5 लोग, लास्ट के जो 5 हैं मैं उनको मान लेता हूँ यहाँ पे 48 की 0 हासिल कर, यानी 140, ठीक है, अब बचा बीच का, यानी कि 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, बचा बीच का कोई एक, यानी कि पहले के 5 का ये हो गया, लास्ट के 5 का ये हो गया, भाई ये हो गया 33 और 0, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ 6, अब 6 की वैल्यू बतानी भाई, 6 में ही ऐसे लिखा है तो 6 की वैल्यू बतानी, एक्स इज इक्वल टू 330 माइनस करेंगे तो ये पहले तो यहाँ प्लस कर लेते तो हमारा 5 हो जाएगा, 4 और 6 हमारा 2, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आएगी ये 5 और 13 में से 7 गए तो तुम्हारे 6 यानी कि 65, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, देखो समझना चाहिए इसको, समझना चाहिए तुम्हें, ये क्वेश्चन थोड़ा महंगा है,
समझ आया? बताओ भाई। हाँ जी भाई, मैं एक तुमको बात बताऊं, तुम लोगों को मैं एक तुमको मैं सीधी सीधी बात बताऊं, तुम क्या चाहते हो, तुम स्कूल में सिलेक्शन चाहते हो क्यों भाई? मतलब मैं तुमसे जेन्युइन पूछना चाह रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? जिस स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम चाहते हो कि उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो? सिलेक्शन हो यही चाहते हो? तो एक बात बताओ, तुम उसके लिए किस हद तक जा सकते हो? हद तक इन द सेंस कि कितने टफ क्वेश्चंस तुम 5th तक के लेवल पे कितने टफ क्वेश्चंस कर सकते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम जिस स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 5th तक के लेवल तक जितना टफ क्वेश्चन हो सके उतना टफ क्वेश्चन करने का ट्राई करो। एक बात बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये बच्चा तो फर्स्ट क्लास का भी बच्चा बता देगा तुम्हें, समझ आया? फर्स्ट क्लास का भी बच्चा बता देगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्या तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है ये? क्या तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है ये? तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन तो ये है, तुम्हारे लेवल का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 मंथ्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ईयर, ये है तुम्हारे लेवल। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, 2 महीने के अंदर कितने साल होते हैं, तो बन अपॉन में आएगा कुछ करके, ये है तुम्हारे लेवल का। और बताऊं तुमको, 3/5 मंथ, 3/5 मंथ इज इक्वल टू हाउ मैनी, ये है तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन, ना कि ये कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ। समझ आया? मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ आया? दिस इज नॉट योर लेवल, दिस इज योर लेवल, ठीक है। अब तुम इसको मॉडिफाइड कहो, लेकिन जो तुमको 2 महीने क्वेश्चन पूछे हैं, इन 2 क्वेश्चन में तुम्हारा सर घूम गया होगा, सर घूम गया होगा तुम्हारा। बताओ, दिमाग लगा थोड़ा इन क्वेश्चंस को करने में, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है? ये होते हैं क्वेश्चन, ना कि ये क्वेश्चन होते हैं। है यार, थोड़ी तो शर्म कर लो कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस स्कूल को तुम सबसे बड़ा मानते हो उसके लिए तुम इतनी गंदी तैयारी कर रहे हो, हैं? छी यार, ये तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार, कसम से। सचिन तेंदुलकर इन हिज 17th इनिंग, यानी कि 17th इनिंग में जो है सचिन तेंदुलकर ने 85 स्कोर किया, एंड देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज बाई 3। अगर भाई मेरी बात सुनो, एक बात सुनना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनना जरा। 17th इनिंग में उसने 85 स्कोर किया, ठीक है, 17th इनिंग, यानी कि इससे पहले 16th इनिंग की होंगी इसने, मान के चलता हूँ मैं 16th इनिंग में उसकी जो है, 16th इनिंग में जो है इसका एवरेज आया एक्स। और जैसे ही उसने 17th इनिंग में अगर 85 स्कोर किया, तो उसका जो एवरेज बढ़ जाता वो x+3 हो जाता है। क्लियर है? वॉट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग, यानी कि अब पूछ रहे हैं 17th इनिंग के बाद उसका जो आंसर होगा, यानी कि उसकी जो एवरेज होगा, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, यानी 17th इनिंग के बाद जो उसका एवरेज होगा वो क्या होगा, यानी कि 16 इनिंग की उसका एवरेज आया। क्लियर है? समझ आया जी? अगर उसने, अब मान के चलता हूँ ये आया इसका ये, अब बताओ आगे तुम इसमें क्या करोगे, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17th, यानी कि ये बताना है, x+3 की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओ, बताओ एक बात बताओ, अगर 16th इनिंग में वो, यानी कि 16 इनिंग में वो x का एवरेज निकाल रहा है, तो यानी कि सम यहाँ पे कितना आएगा, सम जो आएगा वो 16x आएगा, यानी कि 16 एंड 16x, यानी कि इनका जो सम होगा वो 16x आएगा। वैसे ही अगर 17 की बात करो, तो भाई 16 तो मेरा 16x तो 16x तो मेरा कब तक आया, 16x मेरा कब तक आया, जब मेरा सम जो है ये आ गया,
अब भाई इसमें जो है मैंने एक इनिंग और खेली, एक इनिंग जो है मैंने और खेली, यानी कि 17th इनिंग जो है मैंने और खेली। अब 17th इनिंग में जो मैंने वो किया, क्या कहते हैं, स्कोर किया, अगर मैंने 17th इनिंग में अगर मान के चलो मैंने स्कोर किया, आहा सुनो भाई, 17th इनिंग में अगर मेरा स्कोर किया मैंने 85, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतना मैंने स्कोर किया। अब मेरा ये स्कोर हो गया, मेरा भाई एवरेज जो बढ़ गया वो मेरा एवरेज कितने से बढ़ गया, एक्स प्लस थ्री से बढ़ गया, एक्स प्लस थ्री से बढ़ गया। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ तक अब भाई इसकी जो थी 16th इनिंग थी, एक इनिंग और ऐड हो गई तो 17th इनिंग हो गई तुम्हारी, क्लियर है? अरे समझ आया क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो गए इस चीज में, क्लियर है? ये फर्स्ट का एवरेज आ गया, ये फर्स्ट का एवरेज आ गया। अब उसने 17th इनिंग खेली तो भाई एक इनिंग इसमें ऐड हो जाएगी, 16th 17th वाली, 17 वाली ऐड हो जाएगी, यानी कि 17 वाली में उसने 85 की इसको नंबर ऑफ इनिंग किसकी हुई उसकी 17, स्कोर अब उसका कितना बढ़ गया, एक्स से बढ़ गया, एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है भाई। 17 ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पूछ लेना अभी भी, पूछ लेना अभी भी, तुम्हारे पास चांस है इसको पूछने का, यानी कि 17x प्लस 51 इज इक्वल टू 16x प्लस 85, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? समझ आ गया जी? अब भाई 17x माइनस 16 एक साइड कर लेते हैं, 85 माइनस 51, यानी कि x इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा यहाँ से वो 34 आ जाएगा, 34 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, हैं 34 आएगा भाई, इसमें एक ऑप्शन लगा लेना भाई, 34 बी वाला कर लो, 34 डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या, बताओ जल्दी क्लियर है क्या, 8 मिनट लगा दी मैंने इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाने में, समझ आना चाहिए अभी तक तो तुम्हें, समझ आया क्या? बच्चों सुनो, मेरे हाथ में कोई फोन नहीं है यार, मैं तुम्हारी ये चैट नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे, समझ आया? हाँ सिंपल इंटरेस्ट में कराऊंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट कल कराऊंगा मैं, हेलो चंचल, समझ आया क्या, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ पागल हूँ क्या मैं, इतना बता मेरे को, बात कर रहे हो तुम लोग, जी भाई वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, बताओ समझ आया क्या, एक बच्चे को डाउट है, क्या डाउट है भाई मुस्कान, क्या डाउट है, डाउट बताओ मेरे को चैट में लिख के बताओ, कल तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाए तो, तुम पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो बता देना, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यानी कि चार क्रमागत, क्रमागत मतलब
लाइन से लगी हुई, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि चार क्रमागत सम संख्या बोले तो तुम्हारी 2 + 4 + 6 + 8 तुम्हारी संख्या है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है ये तो जो है अपने हिसाब से मान के चले अपन। अच्छा सुनो मेरे, यानी कि मैं चार क्रमागत सम संख्या मान लेता हूँ, मैं x1 + x2 + x3 + x, इनका जो औसत है वो मेरा औसत है 27, यानी कि 7, 4 क्यों लिखा नीचे मैंने, क्योंकि चार संख्या है तुम्हारी, ये चार संख्या, इनमें से इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि x1 + x2 + x3 + x, अब भाई ये तुम्हारा कितना हो गया 98, सारा सम तुम्हारा 98 हो गया, x4 तक तुम्हारा 98। अब बताओ एक बात बताओ मेरे को, अब मेरी सारी सम संख्या है तो मेरी सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, सारी संख्याएं जो है मेरी 2 से कट जाएंगी, तो एक काम करते हैं, चार क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर, 48 समाज आए, ऐसा करो 48 समाज, अब 98 समाज आए, तो मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 30 नहीं लूँगा, मैं ले लेता हूँ 20 22 24 और ये 26, नहीं ये भी नहीं होंगी, लास्ट का नंबर तुम्हारा जो है 8 होना चाहिए, एक काम करते हैं लेते हैं 18 20 22, और यार चार क्रमागत सम संख्या लेनी है, कैसे लें कैसे लें, 8 आना चाहिए, यानी कि 22 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं और 28 लेंगे फिर भी ये आएगा, क्या लेना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या जिसमें से जो है 30 आनी चाहिए, जैसे अपन मान के चलते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें से जो है अपन मान लेते 30 आएगी, तो भाई 36 मान लेते, ठीक है 36 मान लेते, सबसे बड़ी संख्या इसमें 36 है, ठीक है, तो इससे छोटी इससे पहले 34 होगी, इससे पहले तुम्हारी 32 होगी, इससे पहले तुम्हारी 30 होगी, भाई इनका सम तो 98 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ये नंबर नहीं है, ठीक है ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, ठीक है भाई चलिए जी। अब सबसे बड़ी संख्या अपन मान लेते हैं यहाँ पर 32 है, सबसे बड़ी संख्या 32 मान लेते हैं, तो इससे पहले तुम्हारी 30 रही होगी, फिर 28 रही होगी, फिर 26 रही होगी, क्या इनका सम तुम्हारा जो है क्या आ रहा है, 8 6 14 14 2 16 6, यानी कि लास्ट का डेट यहाँ तो 8 आ रहा है, तो यानी कि ये वाला नंबर भी नहीं होगा। मैं मान के चलता हूँ मेरी सबसे बड़ी सम संख्या जो है, यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या जो है मेरी 28 30 है, 30 मान लेता हूँ, तो इससे पहले मेरी 28 रही होगी, इससे पहले मेरी 26 रही होगी, इससे पहले मेरी जो है 24 रही होगी, है ना, तो जोड़ना भाई 8 6 14 14 4 18 की 8 8 हासिल 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 2 8 2 10 11, यानी कि ये भी नहीं, यानी कि 30 वाला भी नहीं हो, 30 वाला ऑप्शन नहीं, यानी कि बी हो जाए, डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, क्लियर है, 11 का यहाँ पे 11 का डी हो जाएगा, समझ आया भाई, कर लेना भाई 28, देखना देखो सबसे बड़ी संख्या 28 है, तो इससे पहले की छोटी इससे 26 रही होगी, इससे पहले 24 रही होगी, इससे पहले जो है तुम्हारी 22 रही होगी, तो भाई करना सम 8 6 14 14 4 18 18 2 20, अरे यार ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, लेके चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, कौन सी हो सकती है भाई, ये गलत कैसे जा सकता है, नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन फॉल्टिंग हो सकती है यार, कुछ तो गलत है, अरे मेरे भाई ये गलत है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को इसका, हाँ इसके ऑप्शन में फॉल्टिंग है मेरे भाई, 24 आ रहा है इधर, नहीं ऑप्शन फॉल्ट है भाई इसका, ऑप्शन फॉल्ट है, ये आंसर तुमको जो है ऐसे ही करना है, x+1 x+2 x+4 x+6 x+8 ऐसे मान के नहीं करना है, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन फॉल्ट है, 11 वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, 8 मिनट इसमें भी लग गए, वाह।
इसको। जी भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत, यानी कि तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत, यानी कि तीन से नंबर कटना चाहिए। तीन हो गया, छह हो गया, नौ हो गया, बारह हो गया, पंद्रह हो गया। भाई इनके गुणज, ये गुणजी तो है तीन के, तो भाई पांच गुणज है, भाई पांच लिख लेते अपन, पांच ही तो गुणज है। ठीक है, प्लस 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 प्लस, यानी कि छह तीन नौ तीन बारह, बारह छह अठारह, अठारह और बारह तीस, और तीस और पंद्रह पैंतालीस, पैंतालीस बट्टे पांच, यानी कि पांच से ही कटेगा नौ बार, यानी कि नौ आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इस बार इस चैप्टर से दो से तीन क्वेश्चन तुम्हारे फंस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फंस सकते हैं। 11 23 तथा x का औसत, यानी कि 11 23 तथा x का औसत 40 है। किस किस का औसत 40 है भाई? 11 प्लस 23 प्लस x का औसत जो है वो 40 है। अब एक बात होता, कितने नंबर है? एक दो तीन नंबर है, यानी कि अपॉन में, यानी कि 120 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया 4 और 3 34 प्लस x, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी तुम्हारी 120 माइनस 4, कितना आ जाएगा भाई? 6 8, x वैल्यू 86। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अरे भाई चिपक तो नहीं रहा तुम लोगों के, सर तुम लोगों के लिए ही है, क्वेश्चन फॉल्टिंग आ रहा है उधर, वो एक क्वेश्चन फॉल्ट हो गया इधर, ये डाउट ये सही नहीं है भाई, इसको सही करो यार, करेक्शन करवाते हैं इसको कह के। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आठ व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के दो सदस्य हैं। दो सदस्य के स्थान पर दो स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों का औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो। ओह, इन दो स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले भाड़ में जान दो सब कुछ, एक काम करो, आठ व्यक्तियों की समिति में, यानी कि आठ व्यक्तियों की समिति है, यानी कि व्यक्ति मान लेता हूँ मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ऐसे करके मैं एक्स एट तक मान लेता हूँ। ठीक है भाई, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, डेड डेस लगा के मैं एक्स एट तक लिख लेता हूँ प्लस एक्स एट। अब इनकी जो समिति है, ये आठ लोगों की समिति है, 35 वर्ष तथा, ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, 35 वर्ष, यानी कि औसत जो आया, मैंने मान के चलो मेरा औसत आया x, यानी कि मेरा औसत जो है x। एक बात बताऊं, 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के दो सदस्य, यानी कि 35 वर्ष के दो सदस्य मान लेता हूं 45 और 35 की, यानी कि एक 35 35 का ये मान ले, एक 45 का ये मान ले। तो एक बात बताऊं, अब इसमें सदस्य कितने रहेगा भाई? अब हो गई ये दो निकल आए अपने, तो दो निकल आए मतलब क्या, दो निकल आए मतलब क्या, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 80 प्लस एक्स थ्री से लेके एक्स एट तक तुम्हारे कितने सदस्य हो गए भाई? छह सदस्य बचे, छह सदस्य बचे, यानी कि ये हो गया आठ। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा एक्स, यानी कि ये आ गया तुम्हारा पहले से। अब भाई दूसरे से क्या कह रहा है, दो स्त्रियों के लिए जाने पर, यानी कि समिति में जो दो पुरुष थे 45 वर्ष और 35 वर्ष के, उनकी जगह दो स्त्रियां ले ली। अब वो दो स्त्रियां ले ली तो उनका जो औसत बढ़ गया, तो वो एक्स टू हो गया, एक्स प्लस, यानी कि दो स्त्रियां ले ली इनकी जगह पे, वो औसत हो गया एक्स प्लस। तो एक बात बताऊँ, यहाँ तो ये 80 हो गया, अब इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? इन दोनों की औसत आयु तो भाई 40 हो गई, इन दोनों की औसत आयु तो 40 हो गई। तो एक बात बताओ, अगर इनका ये बढ़ जाता है, यानी कि एक्स प्लस टू हो जाता है, तो भाई अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ दो स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी? बताओ दो स्त्रियों की औसत आयु यहाँ पे क्या होगी? अगर एक्स प्लस टू से ये बढ़ जाता है तो ये स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी? मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हारे सामने, बताओ। या तो तुम एक मेथड से और कर लो, एक मेथड से और कर लो, यानी कि यहाँ पे एक औसत कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, औसत तो मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, औसत तो अपन ने मान लिया x है यहाँ, ठीक है, और दोनों स्त्रियों की आयु मान लेते हैं बाई, यानी कि तुम्हारी हो गई फीमेल बाई मान। क्लियर है भाई? जी भाई,
अब भाई एक बात होता, 8 व्यक्तियों की औसत आयु, अब भाई 8 व्यक्तियों की औसत आयु तो यानी कि तुम्हारा हो गया 8x, ये औसत आयु नहीं, ये कुल आयु हो गई, कुल आयु, कुल हो गई, कुल आयु 8 है। अब इसमें ऑलरेडी मेंशन है, अब इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि भाई इसमें से जो है 8x तो तुम्हारा है ही है, इसमें जो है 100 साल के दो लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 6 लोगों की और बचेगी, 6 लोगों, 6 लोगों की एज और बचेगी। ओके, अब भाई 6 लोगों की एज और बचेगी, तो एक काम करते हैं, अब 8x माइनस 35 माइनस 45, भाई कैसे ये 8x माइनस 35 माइनस 45, देखो भाई एक बात होता, 8x में ये 45, ये 100 मैंने लिखा है, 100 नहीं है ये, 100 नहीं है ये, ये 90 है, 80 है, सॉरी 80 है ये, 80 है ये, 80 है, 80 कैसे बनाइए, ऐसे तो बनाइए 80। तो एक काम करते हैं, क्या बोला भाई, ये तुम्हारा ये हो गया, ये माने मतलब ये जो माइनस है, ये जो 80 है मेरा इस साइड आ, क्लियर है भाई। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, इनकी जगह जो है अपन दो फीमेल्स को ले लेते हैं, इन दोनों को दिया हटा, हट गए, हट गए। अब इसमें जो है मैंने दो फीमेल ले ली, ठीक है भाई, दो फीमेल ले ली, तो पीपल तो पूरे 8 ही थे ना, 8 ही थे ना, औसत कितना हो गया तुम्हारा एक्स प्लस, क्या अब तुम यहाँ से करोगे तो भाई 8x-80+y=x+2, और ये तुम्हारा 8 आ गया। अब तुम्हारी वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ से आ जानी चाहिए, देखो कैसे, 8x-80+y=8x+16, तो भाई 8x से तो तुम्हारा 8x कट गया, क्लियर है। अब ये जो है तुम्हारा इस साइड जाएगा, तो भाई तुम्हारा वाई बराबर तुम्हारा कितना हो गया 96, यानी कि 22 = 96 आ गया, कितने लोगों का, दो लोगों, दो लोगों की कुल आयु आ गई, कुल आयु आ गई। अब भाई इनकी औसत आयु निकालेंगे तो 96 के बट्टे में 2 करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 48, क्लियर है। इतना डीप समझा रहा हूँ, इतना डीप समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए, इतना डीप समझा रहा हूँ तुम लोगों को, क्लियर है इतनी बात। एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35, इफ इन ईच ऑफ दीज वैल्यू 4 इज एडेड, यानी कि हर एक में 4 जोड़ दी जाती है, द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यूज विल बी, सुनो मेरे, अब ध्यान से सुनना जरा, अब एक बात बता, अब मुझे तुम एक बात, मैंने तुमको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एवरेज इज इक्वल टू, मैंने तुमको बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, यही तो पढ़ाया था मैंने तुमको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज, यानी कि 67 वैल्यूज है, मतलब 67 पूरा टोटल है, उनका एवरेज दिया है 35, यानी कि तुम्हारा आ गया सम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तुम कैसे निकालोगे, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो 35 × 67, तो इसको तुम कैसे करोगे, 67 × 35 का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, 35 × 5 = 3, 5 × 3 = 33, 21 × 1 = 1 हासिल, तो 18 × 2 = 20, तुम्हारा 5, ये 4, ये तुम्हारा 3, ये 2, यानी कि पहली लाइन से जो मेरा आ गया 2345 = सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, ये आ गया सारे सम ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है इफ इन ईच, यानी कि हर एक में अगर 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि हर एक में 4 जोड़ दिया जाए, तो यानी कि मेरा सबका सम तो मेरा ये आ गया, अब मैं इसी में 4 जोड़ देता हूं तो मेरा कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 2349, यानी कि हर एक में 4 जोड़ दिया, मतलब पूरे में मैंने 9 जोड़ दिया, क्लियर है, समझ में आया, ओके, इतनी बात समझ में आई, यानी कि सम ऑफ हर एक में 4 जोड़ दिया। अब कह रहा है सबका एवरेज क्या होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो सबका सम आ गया, यानी कि सम आ गया 2349, ठीक है,
कितनी वैल्यू है 67। अगर 67 वैल्यूज हैं तो भाई अब तुमसे कह रहा है क्या, अब तुमसे कह रहा है कि भाई अब इसका जो न्यू एवरेज आएगा वो क्या आएगा, यही तो पूछ रहा था, एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यूज। भाई न्यू वैल्यूज का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो 39 आ जाएगा, यानी कि एक ही वैल्यू जो है वो तुम्हारी 39 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, आई क्या, समझ आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरेज ओपन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जी क्लियर है। चलिए अगर क्लियर नहीं है तो मेरे को बता दो, अगर कोई डाउट है तो मेरे परफेक्टली अभी के अभी पूछो, अभी के अभी जो भी डाउट है अभी के अभी पूछो मेरे से, जी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 78.4, यानी कि एवरेज जो है वो 78.4 है इसका 25 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे फॉर्मूला कहता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही तो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ से कहता है, एस मान लो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 78 into 0.4 into 25, 2400 की जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगाया है 10 आ गया, 25 + 8 = 210, 210 की जीरो हासिल 21, 25 + 7 तुम्हारा होता है 175, 25 + 7 तुम्हारा होता है 175, 175 प्लस कितना हो जाएगा भाई 691, यानी कि 190, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया भाई, ये हो गया सर, सर ये हो गया 1960, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए सर मेरा 1960 आ गया जी। बट लेटर ऑन डिटेक्टेड, अब लेकिन बाद में पता लगा क्या, हाँ हाँ 67,000 आई है, बट लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड, अब बाद में देखा गया कि दैट 96 वॉज मिसरीड एज 69, ओहो, यानी कि बस बाद में पता लगा कि 96 जो है वो मिसरीड कर दिया गया 69 के लिए, यानी कि 96 जो है वो 69 मिसरीड कर लिया, ठीक है। अब भाई 96 जो है 69 मिसरीड कर दिया तो नया एवरेज क्या हो, नया एवरेज क्या हो, अब भाई 96 जो है वो 69 मिसरीड कर लिया तो तुम्हारा ये गलत है, ठीक है यार, एक गलत हो रहा है क्या इसमें, ये ऐसा तो कुछ बैठ नहीं रहा इसमें, ये की तरह पढ़ ली है तो भाई क्या डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस आया, आप मुझे एक बात बताओ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या आया सर, डिफरेंस आया 96 - 69 का, अगर मेरा डिफरेंस देखा जाए सर, सर वो मेरा डिफरेंस पता नहीं कितने का बैठा सर, ये बैठा 7 और ये 2, यानी कि 27 का मेरा डिफरेंस बैठ गया, इतनी बात क्लियर है भाई, 27 का डिफरेंस बैठ गया, यानी कि एक बात बताओ अगर यहाँ पे मैं नया निकाल लूँगा, नया मेरा सम कितना आएगा यहाँ पे 960 + 27 निकालूंगा तो मेरा न्यू सम आ गया, न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया, क्लियर है। तो भाई कितना हो गया 1987, ये तुम्हारा क्या आ गया न्यू सम आ गया, भाई ये न्यू सम आ गया, तो भाई एवरेज क्या आ गया, न्यू एवरेज तुम्हारा क्या आ गया यहाँ से, न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम, यानी कि सम न्यू सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है तुम्हारी, ये यानी कि 1987 / 25, इसको करोगे तब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 79.4, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये थोड़े महंगे सवाल है तुम लोगों के लिए, अब की बार 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हाईएस्टली मान के चलना, 3 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने हैं, इतना मान के चलना जी भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, यानी कि मंडे टू थर्सडे तक जब एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 48 डिग्री। अब भाई मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे यानी कि 4 दिन, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे, ये कितने दिन हो गए तुम्हारे, कितने कितने नंबर हो गए तुम्हारे, 4। यानी कि अगर हम इसका पूरा टोटल देखें, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्ड थर्सडे का पूरा देखें तो 8 चौक 32 की 2 हासिल थी की, यानी कि 192 डिग्री चारों का हो, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, यानी कि ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे, अगर हम इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करें, यानी कि ये भी तुम्हारा 4 है, इसका एवरेज टेम्परेचर तुम्हारा कितना रहा है 52 डिग्री। अब कह रहा है देन इफ द, अब ठीक है, यानी कि ये आ गया तुम्हारा, ये भाई आ गया, ये आ गया तुम्हारा, ये प्लस, ये तुम्हारा आ गया 8 और ये तुम्हारा 20, यानी कि 100। यानी कि ये भाई याद रखना ये चीज, ये तुमको फाइंड कर, ये तुमको देखनी है ढंग से जी। यानी कि मेरी पहली लाइन से तो मेरा ये आ गया, क्लियर है, और ये दूसरी लाइन से मेरा ये आ गया। सर ये कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 42, यानी कि मंडे का जो टेम्परेचर है वो 42 है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, ध्यान से सुन लेना, मंडे का जो टेम्परेचर है वो 42 है, तो भाई मंडे का जो टेम्परेचर अगर 42 है, तो भाई 42 जो है मेरा इधर चला जाएगा, इधर घट जाएगा, यानी कि ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे का जो मेरा आएगा वो 192 माइनस 42 आएगा, 42 डिग्री, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 150, यानी कि ये आ गया मेरा 150 डिग्री, क्लियर है, 150 डिग्री आ गया। अब कह रहा इफ द, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, ओके, अब एक बात होता है ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे जो आ रहा है तुम्हारा वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, अब वो तुम्हारा कितना आ रहा है भाई, वो भाई मेरे तो ये आ रहा है 150। अब फ्राइडे का फाइंड करना है भाई, फ्राइडे का लो यहाँ से फाइंड कर देंगे, यानी कि फ्राइडे का जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से 58 डिग्री, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई जी। 11 वाला रिपीट, जी भाई चलो समझ आया, 11 वाला रिपीट करने की कह रहे हो, 11 वाला रिपीट, रुक जाओ जरा मेरे को देख लेने दो, 11 वाला कौन से की कह रहे हो, अच्छा रुको जरा, अभी अभी बताता हूँ, लास्ट में रुकना जरा, लास्ट में रुकना, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नहीं चुपकेगा जी भाई। 3 संख्याओं का औसत 27 है, मैंने तुमको क्या बताया था, औसत बराबर, मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था, औसत बराबर तुम्हारा क्या है, ध्यान से सुन लेना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, औसत बराबर तुमको क्या बताया था मैंने, कुल संख्याओं का सम बटे कुल संख्या, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, कुल संख्या, तो भाई औसत तो तुम्हारा आ रहा है 27, ओके भाई सम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सम ही लिख लूँ, सम ओनली सम, समय नहीं सम, ठीक है, यहाँ पे सम लिख, कुल संख्या तुम्हारी कितनी है, 3 संख्याएं हैं तुम्हारी कुल, यानी कि 3 संख्या तुम्हारी कुल है, यानी कि तुम्हारा ये जो सम आ गया वो आ गया तुम्हारा 721, यानी कि 108, क्लियर है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, अच्छा दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या मान लूँ मैं, दूसरी संख्या 3 गुनी है, यानी कि 3x मान लूँ तो पहली मैं x मान लूँगा, ठीक है, और तीसरी संख्या, सुनो ये सेकंड नंबर हो गया और ये फर्स्ट नंबर, और तीसरी संख्या की 5 गुनी है,
दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की तीन गुनी है। लीजिए भाई, पहली संख्या की दूसरी संख्या जो है तीन गुनी हो गई, ठीक है, और तीसरी संख्या की पांच गुनी है। एक बात बताओ, ये 3x है, 3x है। अब भाई तीसरी संख्या की पांच गुनी, यानी कि वो तीसरी संख्या पांच गुनी नहीं है, वो पांच का डिवाइडेड है, तो यानी कि वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 3x/5। तभी तो ये पांच गुना होगी भाई यहाँ पे। अब भाई एक बात बताओ, ये दूसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या पहली संख्या की, ओहो तीसरी संख्या, सॉरी भाई सॉरी, मिस 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 हो गया, मिस हो गया। ये क्या है लिखा है, तीसरी संख्या पहली संख्या की पांच गुनी है। पहली संख्या क्या है तुम्हारी, एक्स। अब तीसरी संख्या क्या है भाई, पांच। क्लियर है? तो पहली संख्या क्या होगी, यानी कि पहली संख्या क्या होगी, तो एक बात बताओ, यहां पे सम जो आएगा तुम्हारा x+3x+5x हो जाएगा, अपॉन तुम्हारा ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 27 आ रहा था, आ गया भाई, ये तुम्हारा 9x/3। तो भाई 27, यानी कि यहां से जो तुम्हारा आएगा, ये तो तुम्हारा कट गया, इससे तुम्हारा ये कट गया 9 बार, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वो तुम्हारी 9 आ जाएगी। भाई x की वैल्यू 9 आ गई, x अपन ने क्या माना था भाई, पहली संख्या, तो भाई 9 ही जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझना पड़ेगा, लिखने से ज्यादा सुनो मेरे को, सुनो और दिमाग चलाओ, ठीक है, साथ साथ। क्लियर है? हाँ जी भाई, क्लियर है क्या? बताओ कोई डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता है बार बार पढ़ो, समझ आए? अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता है बार बार पढ़ो। 15 का तुम्हारा हो गया ए। आगे बढ़ते, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एंड गुरुवार का औसत तापमान, यानी कि मैं बात करूं, रविवार बोले तो संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, बुधवार मतलब वेनसडे, और ये तुम्हारा थर्सडे, यानी कि 5 दिन का जो तापमान है, यानी कि ये 5 दिन है, 5 दिन का जो तापमान है वो 80 फेरानाइट जा रहा है, 80 फेरानाइट। यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया पूरा टोटल, 400 फेरानाइट हो गया। कब कब का सर, संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेनसडे का, थर्सडे का, हो गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 81, यानी कि मंडे का, ट्यूसडे का, वेनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का जो औसत तापमान है वो 81 डिग्री फेरानाइट है, यानी कि इस साल 81 डिग्री फेरानाइट है। कितने दिन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 दिन का जो है एवरेज जो तापमान है वो इतना है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कितना हो गया भाई? क्लियर है? ये समझ सर, ये वाला जो है आप क्या कहते हैं, इसका वो बना ले लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए सर इसको, जिससे हमको दिक्कत ना आए, इसको भी कर लेते, ठीक है, समझ आया? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ये सैटरडे वाला है, ऐसे लिख देता हूं मैं, SETURDY, ऐसे तो लिखते हो? हाँ, यदि रविवार का तापमान 76 डिग्री फेरानाइट हो तथा शनिवार का तापमान, ओहो रविवार लिख लेते सबसे पहले, रविवार, रविवार लिख लेते भाई, रविवार का जो तापमान है वो 76 डिग्री है, 76 डिग्री फेरानाइट। तो भाई एक बात बताओ, तथा शनिवार का तापमान, सॉरी शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से 4 फेरानाइट अधिक है, गुना नहीं है, 4 फेरानाइट अधिक है, यानी कि +4 है, +4 फेरानाइट है, तो शनिवार का तापमान क्या हो? वाह वाह क्या बात है, सुनिए अब एक बात बताइए, अभी संडे का तो मेरा ये आ गया, अगर मैं इसको यहां पहुंचा दूंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा भाई, यानी कि 3, अरे हो जा भाई 324 डिग्री फेरानाइट आ गया मेरा मंडे का, ट्यूसडे का, वेनसडे का और थर्सडे का। इतनी बात समझ में, ये आ गया सर। एक बात बताइए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे का जो तापमान है सर मेरे पास 324 दिया है, 324 डिग्री फेरानाइट। फ्राइडे बचा हुआ है सर और सैटरडे बचा हुआ है सर, ये तुम्हारा हो गया
क्लियर है जी भाई, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि एफ प्लस ऐसे लिख लेता हूँ मैं जी भाई, 486 डिग्री फेरानाइट माइनस 324 डिग्री फेरानाइट, क्लियर है। ये तुम्हारा कितना हो गया भाई, छः में से चार गया तो तुम्हारा दो, फेरानाइट का फेरानाइट लिखेंगे, छः और एक, यानी कि एफ तुम्हारा आ गया, एफ प्लस ऐसे आ गया तुम्हारा ये। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, तथा अब ये लाइन देखो, शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से, यानी कि शनिवार का तापक्रम, यानी कि सैटरडे का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से, यानी कि फ्राइडे के तापक्रम से चार ज्यादा है। ऐसे ही तो होगा यानी कि चार ज्यादा है। इसको कह सकते हैं अपन चार कम है, वो नहीं लिख, चलो यानी कि एफ की जगह में यहाँ पे एस ए प्लस, सुनो अरे भाई क्या बात है, इतना समझ आया क्या, चिपक रहा है थोड़ा सा, रुको जरा, यानी कि तुम्हारा प्लस फोर है, फ्राइडे का शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से चार अधिक है, यानी कि शनिवार का तापक्रम चार ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई, अरे भाई सुन लिया क्या, चार ज्यादा है शनिवार का जो है, चार ज्यादा है जी। अब शनिवार का चार ज्यादा है तो मेरे भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब भाई एफ की जगह क्या मैं एस ए प्लस फोर प्लस एस ए इजिकल टू 162 डिग्री फेरानाइट लिख सकता हूँ क्या, बताओ चल क्यों नहीं रहा यार, तू चल क्यों नहीं रहा, परेशान क्यों कर रहा है यार ये मेरे को, शांति से पढ़ रहे हो क्या तुम लोग, यानी कि प्लस एस ए इज इक्वल टू मैं जो है यहाँ पे 162 डिग्री फेरनाइट लिख सकता हूँ, क्लियर है भाई। ये क्या हो गया, टू एस ए इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 162 डिग्री फेरनाइट माइनस फोर करेंगे, माइनस फोर करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 158 एस ए इज इक्वल टू, यानी कि एस ए आ गया तुम्हारा यहाँ पे 7 × 14 और 7 × 9, यानी कि सैटरडे का तो टेम्परेचर आ गया ये, सैटरडे का ये आ गया तो शनिवार का तापमान क्या होगा, शनिवार का तापमान क्या होगा, शनिवार का तो यहाँ पे एस प्लस ए है, एस ए प्लस फोर है, एस ए प्लस फोर है यानी कि चार ज्यादा है सुन लिया क्या, चार ज्यादा है सुन लिया करो कचरा लोग, चार ज्यादा है तो भाई सैटरडे का भी तुम्हारा जो है ये चार ज्यादा होगा तुम्हारा, ये क्लियर है, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पे 83। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा पर अगर तुम ये क्वेश्चन लेंथी वाला कर लोगे तो तुम्हारा वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, समझ आए, वो क्वेश्चन तुम्हारा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, भाई 2 मिनट रुकना ये जरा, जी समझ आया, चलिए आगे बढ़ते। द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि 6 लड़कों का जब बॉडी वेट नापा गया तो एक का आया 42, दूसरे का आया 72, तीसरे का आया 85, चौथे का आया 64 और इसका आया तुम्हारा 50। कितने लड़कों का भाई, 6 लड़कों, एक और है भाई इसमें 73, अच्छा तभी तो। व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज, यानी कि 6 बॉयज का यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट क्या होगा, फाइंड कर लेना खुद से इस क्वेश्चन को।
अगला, द एवरेज एज ऑफ फाइव ऑफिसर्स, यानी कि फाइव ऑफिसर्स हैं, कौन है भाई, फाइव ऑफिसर्स हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 32 साल है, एवरेज जो है इस 32 साल है, यानी कि सम ऑफ एज ऑफ ऑल ऑफिसर, ऑल ऑफिसर, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ एज कितनी आ जाएगी भाई, इसमें 5 10 की 100 साल, यानी कि सम आ गया तुम्हारा इतना, सम ऑफ एज ऑफ ऑल ऑफ, इफ एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड। अब इसमें जो है इनकी सुपरवाइजर की एज को जोड़ दिया, यानी कि सुपरवाइजर मान लेता हूँ मैं एस, सुपरवाइजर को मैं मान लेता हूँ एस, यानी कि ऑफिसर को मैं मान लेता हूँ ओ, सम ऑफ ऑल ऑफिसर को मान लेता हूँ मैं एस, सुपरवाइजर को मान लेता हूँ मैं एस। अब इनकी एज को, अब इसकी एज को जो है इसमें ऐड कर दिया गया। एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारा ये था कितना हो रहा था भाई, 32, अब यहाँ पे जो पर्सन हो गए वो कितने हो गए, 6 पर्सन। अब इनकी एज को ऐड कर दिया भाई, इसमें भी तो तुम्हारी कोई एज ऐड होगी, ये भी तो तुम्हारा एवरेज आएगा। नहीं समझ आया, अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा इसका आ गया, अब क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ सुपरवाइजर इज एडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाई 32। अब भाई 32 एवरेज था, अगर सुपरवाइजर की एड हम एज कर देते हैं तो भाई 33 क्या हो जाता है हमारा एवरेज, ठीक है, यानी कि तुम्हारे एसओ मतलब ऑफिसर हो गए, सारे ऑफिसर हो गए सम ऑफ ऑल ऑफिसर, भाई इसमें जो सुपरवाइजर भी ऐड कर दिया, भाई ऑफिसर कितने थे तुम्हारे, 5, ये तुम्हारा कौन हो गया, 6, यानी कि 6 हो गए तुम्हारे, यानी कि तुम्हारा कितना आ गया भाई, ये आ गया तुम्हारा 198। क्लियर है, इज इक्वल टू एसओ प्लस एसपी, एसपी मतलब सम ऑफ एज ऑफ ऑफिसर तुम्हारी कितनी है 160, यानी कि 198 में से 160 माइनस करोगे तो तुम्हारी एसपी की एज आ जाएगी, मतलब सुपरवाइजर की एज आ जाएगी, यानी कि 30। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सुनो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका औसत तो तुम खुद से निकाल लोगे, इसका औसत तो तुम खुद से निकाल लोगे। 17वां, 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9, 8, इन बच्चों का औसत आयु, औसत आयु भी तुम खुद से निकालोगे, 18 वाला तुम खुद से कर लोगे। जी भाई चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, नहीं नहीं पहले छोड़ दूंगा जी, क्या क्वेश्चन है अगला, द एज एवरेज एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर वॉज 35 ईयर, 5 ईयर है। ओके क्वेश्चन देखो भाई, 5 साल पहले, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हैंडिंग डाले थे 5 ईयर्स, 5 ईयर, यानी कि अगर ब्रदर और सिस्टर की जो एवरेज आ रही थी वो 35 आ रही, एवरेज हो जाएगी किसकी, ब्रदर की और सिस्टर की, कितने लोग हैं, 2। तो भाई ब्रदर और सिस्टर की यहाँ पे अगर टोटल एज देखें, ब्रदर प्लस सिस्टर की एज जो है ये इतनी है, ये 5 साल पहले की बात हो गई, वॉट विल बी देयर एवरेज एज एट प्रेजेंट, अब इनकी एवरेज एज क्या होगी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो यानी कि 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है, सुनो मेरे, यानी कि 5 साल बाद की बात करें तो भाई इनकी एवरेज एज आ जाएगी, बी प्लस एस की एवरेज एज जाएगी 70 प्लस 5 बढ़ जाएगी, इन लोगों की 5 5 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, सुनो सुनो मेरे, यानी कि पहले जो थी वो बी थी ब्रदर की, 5 साल इसकी बढ़ गई, ठीक है, सिस्टर थी, सिस्टर की भी 5 साल बढ़ गई, क्लियर है, अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सुनो भाई यहाँ पे कैसे निकाल, यानी कि बी प्लस एस प्लस 10 हो गया, यहाँ पे अपॉन 2 हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्लियर है, इतनी बात समझ में आई जी, तो आप मुझे बताओ बी प्लस एस अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, इतना दिमाग तो तुम खुद लगा सकते हो, बी प्लस एस की, बी प्लस एस अपॉन 2 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 35, यानी कि 35 लिख सकता हूँ, और ये तुम्हारा 10/2 यानी कि 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 40 हो जाएगी, क्लियर है, मजा आया क्या, मजा आया क्या भाई, मजा आया तो आगे,
चलो मेरे भाई आगे बढ़ते। इन अ क्रिकेट टीम, यानी कि एक क्रिकेट टीम में द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज, यानी कि 11 प्लेयर्स एंड कोच इज 18, यानी कि मेरी बात सुनो, यानी कि 11 प्लेयर्स की एज का सम, 11 प्लेयर्स का सम, ठीक है, एज का सम प्लस कोच का सम, भाई ये सारे लोग कितने हो गए, 11 तो प्लेयर हो गए और एक तुम्हारा कोच हो गया, तो यानी कि 12 लोग हो गए, इनकी एज का सम आ रहा है 18। ओके, तो भाई अगर हम इस इनकी सबकी बात करें तो 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल नौ, यानी कि 216, 216, यानी कि 11 प्लेयर्स की एज का सम, सम ऑफ एज प्लस कोच की एज का जो सम आ रहा है वो आ रहा है, पूरा जो टोटल आ रहा है वो 200 आ रहा है। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड, ओके भाई ये तो हो गया पहला के। अगर हम कोच की एज को कंसिडर नहीं करें तो एज इज डिक्रीजेज बाई 1 ईयर, अब भाई पहले 18 थी, अब भाई डिक्रीज हो गया, यानी कि एक डिक्रीज होकर 17 हो जाएगी, कब, जब 11 प्लेयर्स की एज को ही जोड़ा जाए, सम कोच की एज को कंसिडर नहीं किया जाए तो 11। फाइंड आउट द एज ऑफ, क्या बात, एक बात, यहाँ पे 11 प्लेयर्स की एज का सम तुम्हारा कितना आएगा, 77 की 7 और 11 7 18, यानी कि 187 आ गया, 11 प्लेयर्स की एज का सम आ गया तुम्हारा। अब मुझे एक बात बताओ, 11 प्लेयर्स की एज का सम आ गया तो भाई इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या मैं तुम लोगों के लिए 187 नहीं रख सकता, यानी कि 216 इज इक्वल टू 187 प्लस कुछ, क्लियर है, आगे समझ में, 216 माइनस 187 इज इक्वल टू कोच की एज आ गई। अब कोच की एज यहाँ से क्या जाएगी, 16 में से 7 गया तो 9 हासिल, 1 हमारा 2, आ गई, मजा आ रहा है क्या, क्या आपको इन सारे क्वेश्चंस में और इन सारे शब्दों को मेरे मुंह से जो तुम सुन रहे हो उसमें मजा आ रहा है क्या, हेलो गाइस मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है, आज ही है द बेस्ट टाइम, महामैराथन आज ही है, तुम्हारा समय पता नहीं कब आएगा, अच्छा नाम तो तुमने इतना अच्छा रख लिया है, आज ही है मैराथन जी, महामैराथन चाहिए, 1 घंटे बैठा नहीं जाता, हद होती है भाई, नहीं हुई, चलो समझ आ गया, क्लियर है, पच गया, ओए बच्चो पच गया क्या, चलिए लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 11 विषम संख्या, यानी कि 11 विषम संख्या बोलो तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस, यानी कि 11 तुम्हारी विषम संख्या होगी लगातार, और भाई 11 ही तुम्हारी संख्या है, तुम कर लेना इसको, तुम्हारा आ जाएगा, 2 5 8 11 17 14 17 20 का औसत, इसको भी तुम खुद से करोगे HW, ठीक है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, 10 भी इंक्लूडेड होगी, समझ आया, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन 10, यानी कि सबका प्राकृतिक संख्या तो यही है, मैंने आपको बताया था 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर हैं तुम्हारे उनका सम तुम्हारा 55 होता है, 55 बटे 10 बोले तो 5.5, ये वाला ऑप्शन क्लियर है, समझ आया, हाँ हाँ सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका औसत तुम भी निकालोगे, 2 3 5 0 और 15 का औसत, उससे निकालना भाई,
ये क्वेश्चन है। यदि 120 यदि रुपीस 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 दर से 20 ठीक है 130 रुपए की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियों को खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। बाबा रे बाबा ये तो क्या हो गया। सुनो, यानी कि 120 की दर से तो तुम्हारी 20 कुर्सी खरीदी गई, यानी कि 20 कुर्सियां खरीदी गई रुपीस 120, 15 कुर्सियां खरीदी गई तुम्हारी रुपीस 130 के साथ। अब भाई 25 कुर्सियां खरीदी गई तुम्हारी 25 कुर्सियां खरीदी गई तुम्हारी रुपीस 150 के साथ। तो पहली बात तो तुम मुझे इतना बताओ कि ये जो कुर्सी है वो तुम्हारी पूरी टोटल कुर्सी कितनी है। सर पूरी टोटल कुर्सियां 40 और 60 यानी कि 60 तो तुम्हारी पूरी टोटल कुर्सियां हैं। ठीक है, अब भाई एक बात, 60 तुम्हारी पूरी टोटल कुर्सियां हैं। अब भाई एक बात बताओ, 60 कुर्सियों का पूरा टोटल मूल्य कितना आएगा। सबसे पहली बात तो भाई तुम्हारा ये आ गया 2400 और बाद में 2400 और इसका आ जाएगा तुम्हारा 13.65 की 5 हासिल 13, 6, 19 क्लियर है 1900 25 15.75 की 5 हासिल 7 15 यानी कि हो गया तुम्हारा इतना। क्लियर है, सबको ऐड करो कितना मूल्य आया सबका 0, 9, 7, 16, 17, 17 और 4, 21 की 1 हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8 यानी कि 81 यानी कि 60 कुर्सियों का पूरी टोटल जो वैल्यू आई वो 8100 की खरीद। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली एक कुर्सी का मूल्य निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या। यानी कि 60 तो तुम्हारी क्या थी के मतलब कुर्सियाँ, ये तुम्हारे क्या है रुपए। यानी कि अगर मैं एक कुर्सी की कीमत निकालूं तो 60 से डिवाइड स्टार्ट करूंगा, 60 से डिवाइड स्टार्ट करूंगा, कैसे तुम्हारा कट जाएगा 6 × 6 = 36 = 18 यानी कि 1 कुर्सी की जो कीमत आएगी वो 135 आएगी एवरेजली बात। क्लियर है, समझ आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो। एक क्वेश्चन तुम्हारा 10 पेज में सॉल्व हो तब तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा। अरे हद है भाई, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी कि 5 के मल्टीप्लाई के 5 नंबर, यानी कि 5 से 5 कट रहा है, 10, 15, 20 यानी कि प्रथम 5 जो है ये 5 के गुणज हैं, लगातार 5 के गुणज हैं, औसत क्या हो, प्लस करते जाओ भाई, कितने नंबर हैं 5, तो तुम्हारा कितना हो रहा है 40, 60, 70 और 75, 75/5 बोले तो तुम्हारा ये आ गया 15। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। क्लियर है भाई, अब क्या कह रहा है, x+3 ओके ये नंबर अलग है, x+6 और x+9 और x+12 और x+15 का औसत यदि, यानी कि इनका औसत जो है वो 15 है, तो प्रथम 3 का औसत क्या होगा, प्रथम तीन का औसत कितना होगा। देखो मेरी बात, 15 औसत है किस किस का, x+3 + x+6 + x+9 + x+12 + x+15 यानी कि नंबर तुम्हारे पूरे कितने हैं, ये नंबर तुम्हारे पूरे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 नंबर, यानी कि तुम्हारा ये हो गया 75 = 5 नंबर है, तो तुम्हारा ये 5x+ अरे यार ये इनटू हो गया इधर, तो ये 75 हो गया तुम्हारा, समझते नहीं बात को, 18 + 30 = 45 यानी कि 45। क्लियर है, तो ये तुम्हारा 75 - 45 = 5 यानी कि 5x = तुम्हारा आ जाएगा ये 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू 6 इधर रखोगे, 6 इधर रखोगे, 6 इधर रखोगे, तीन संख्याओं का औसत निकाला नहीं, तो 6 3 9 6 6 12 और 6 9 6 15 यानी कि तीन संख्याओं का औसत निकालेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये
और 15 तुम्हारा 36/3 बोले तो तुम्हारा 12। क्लियर है? ये क्लास होती तुम्हारी यही खत्म, ठीक है। इसी के साथ औसा चैप्टर होता है खत्म। अब आ जाओ तुम अगली क्लास, अगली क्लास में जो है मैं तुमको सिंपल इंटरेस्ट कराने जा रहा हूँ।